समंदर में लुढ़कने को तैयार एक बोल्डर। ब्रिटेन में ससेक्स के तट से करीब 45 किलोमीटर दूर समंदर में बड़े बड़े बोल्डर गिराए जा रहे हैं। पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस यूके समंदर में सटीक जगह चुनने के बाद ही वहां बोल्डर कहे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर भर रहा है। Big natural stone placed at the following position. 50 degrees, 15.88 minutes north. फ्रांस और ब्रिटेन के बीच मौजूद अटलांटिक महासागर के सकरे रास्ते को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। पर्यावरण संगठन के मुताबिक संरक्षित इलाका घोषित होने के बावजूद ट्रॉलर यहां समंदर की खाक छानकर मछली पकड़ रहे हैं। ट्रॉलरों के ऐसे जाल समंदर की गहराई में मौजूद हर जीव को कैद कर लेते हैं। समंदर अगर कम गहरा हो तो ये जाल धरातल को कुचलते हुए वहां के इकोसिस्टम को उजाड़ देते हैं। ऐसी बॉटम ड्रैगिंग को रोकने के लिए 2016 में इंग्लिश चैनल के एक बड़े हिस्से को संरक्षित इलाका घोषित कर दिया गया। लेकिन ग्रीन पीस का कहना है कि औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने वाले मान नहीं रहे हैं, इसीलिए समंदर में 88 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बोल्डर भरने के लिए दो जहाजों की मदद ली गई। ये बड़े बड़े पत्थर ट्रॉलरों के जाल को उलझा देंगे। इन बोल्डरों में उलझते ही नेट को काटना पड़ेगा। इसके अलावा ये पत्थर समुद्री जीवों को छुपने की जगह भी देंगे। हम भारी नुकसान पहुंचाने वाली फिशिंग को रोकने, समुद्र तल और वहां के शानदार जीवों को बचाने के लिए बोल्डर गिरा रहे हैं। अंधाधुंध फिशिंग से कई समुद्री जीवों को पनपने का मौका ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि दुनिया में कई जलीय इलाकों को संरक्षित घोषित किया गया है। कोशिश है कि वहां जलीय जीव सुकून से प्रजनन करें और सुरक्षित रहें। लेकिन अगर उन्हें इसका मौका ही नहीं मिलेगा तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जिसमें हमारे जैसे बेवकूफ होमो सेपियंस भी शामिल हैं। पिन एंड पोस्ट का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।